हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, तो दोस्तों आज जो है हम 2.1 होम थिएटर बोर्ड जो है दोस्तों, तो इसको जो है हम यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इस पर जो है दोस्तों एक सब ऊपर चलता है और दो सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पर चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 IC लगे हुए हैं, ये तीनों IC पर जो है हम दोस्तों तीन जो है सब ऊपर यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं और इसका सिग्नल भी दोस्तों सब ऊपर का ही निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में टोटल जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास ये 20-30 IC का 2.1 होम थिएटर बोर्ड है। इसमें से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 IC यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें से एक जो IC है हमारा इसके ऊपर सब ऊपर चलता है और जो बाकी जो दो बचा हुआ IC है इसके ऊपर जो है सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको एक बार इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये कनेक्टर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर इसको यहाँ पर इस प्रकार से एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। इससे जो है दोस्तों यहाँ से बेस कंट्रोल हो जाता है, जो कि सब ऊपर वाले IC का यहाँ पर जो है बेस कंट्रोल हो जाता है और यहाँ से जो है सब ऊपर कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 12012 का हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारे दो सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट होगा। हमको यहाँ पर 3 पिन दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों इसका जो मिडल वाला पिन है ये ग्राउंड वाला पिन है, बाकी दो लेफ्ट राइट स्पीकर जो है हमारा उनका दोनों के पार यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है इसका हम ऑडियो इनपुट देंगे इस वाले जगह से, यहाँ से दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो इस प्रकार से वायर्स ऑर्डर कर इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन ऑलरेडी कर लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है हमारा ब्लूटूथ पैनल के ऑडियो आउटपुट की जगह पर ये वाला हमारे कनेक्टर कनेक्ट होगा और यहाँ से हमारे पोटेंशियोमीटर से इसका वॉल्यूम हम कम ज़्यादा करेंगे और यहाँ से जो ऑडियो निकलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो दो एक पिन जो है दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड वाली जगह पर गया है और बाकी जो दो बचा हुआ लेफ्ट राइट है तो कुछ इस जगह पर यहाँ पर हमने इसको सॉल्डर कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो ऑडियो निकलेगा वो दोस्तों इन तीनों IC में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला जो हमारा IC है ये सब ऊपर वाला IC है, देख सकते हैं दोस्तों, और इसका जो 5 नंबर पिन है कुछ इस प्रकार से ये वाला। तो दोस्तों ये ऑडियो इनपुट का पिन होता है, सेम इसी तरीके से इन IC का भी ये ऑडियो इनपुट का पिन होता है। दोस्तों होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर इसको ऑडियो इनपुट यहाँ पर दे गए, तो इसका जो ऑडियो इनपुट जो है दोस्तों यहाँ से जो है थोड़ा बहुत यहाँ से जो रजिस्टर कैपेसिटर से फिल्टर होकर कुछ इस प्रकार से इन जगह पर यानी कि 5 नंबर लेग पर IC के चला जाता है। लेकिन दोस्तों जो सब ऊपर वाला IC होता है तो उसका जो कनेक्शन है, देख सकते हैं दोस्तों इसका जो है इस साइड पर इसका सर्किट बना हुआ है सब ऊपर का, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका IC भी लगा हुआ है। तो यहाँ से जो दोस्तों इसका सिग्नल जो है ये लो पास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से देखिए दोस्तों इस वाले IC को यानी कि इस वाले 5 नंबर पिन को हमारा सब ऊपर का लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है। तो जिससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पर जो है इस वाले IC से जो हमारा सब ऊपर यहाँ पर कनेक्ट होगा तो उसमें जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा बेस हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन इन वाले जो दो सैटेलाइट स्पीकर के जो दो IC है दोस्तों इसमें जो है कोई भी लो पास फिल्टर यहाँ पर नहीं लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से दोस्तों यहाँ से जो है डायरेक्ट हमको जो स्पीकर में से मिड या ट्रेबल मिलकर आवाज़ हमको क्लियर सुनाई दी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने वीडियो टाइटल में देखा हुआ था कि दोस्तों हम यहाँ पर जो है इन तीनों IC को जो है सब ऊपर का सिग्नल यानी कि लो पास हमको सिग्नल हमको देना है और यहाँ से हमें सब ऊपर कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अभी मैं आपको इसका जो ओरिजिनल वाला जो क्वालिटी है उसको एक बार हम सॉन्ग प्ले करेंगे और एक बार जो है इसका टेस्टिंग लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अभी यहाँ पर जो है हम सारा कुछ कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका कनेक्शन नहीं पता होगा तो मैं ऊपर
आई बटन में इसका वीडियो दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो इसका टोटल होम थिएटर का वायरिंग जो है आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो दोस्तों आइए अब हम इसका कनेक्शन कर रख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सारा कुछ कनेक्शन यहाँ पर मैंने अभी कम्प्लीटली कर लिया है। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको नॉर्मल जैसा हम इसको प्ले करते हैं उस तरीके से इसको प्ले करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं इसको अभी 5 वोल्ट सप्लाई इसको दे देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी ये ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों इससे जो है हमारा मेन कंट्रोल होगा, यानी कि इससे जो मेन हमारा वॉल्यूम कंट्रोल होगा। और देखिए दोस्तों ये जो है हमारा सब ऊपर यहाँ पर कंट्रोल होगा इससे। देख सकते हैं दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर में भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आवाज़ हमको देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं दोस्तों इसका जो बेस इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी हम इसको पॉज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देख लिया है, अभी जो हमने इसको नॉर्मल सिग्नल पर चलाया था, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया हुआ था वीडियो स्टार्ट में वीडियो के, जैसे कि हमारा जो आईसी का जो ये 5 नंबर वाला जो पिन होता है, ये देखिए दोस्तों ये हमारा ऑडियो इनपुट का होता है। तो दोस्तों सिंपल जो है हमें कुछ इस प्रकार से एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों हमें जो है इन तीनों आईसी के जो ये 5 नंबर वाला जो पिन है, देखिए दोस्तों ये वाला पिन और इस वाले आईसी का भी, देखिए दोस्तों ये वाला पिन और इस वाले आईसी का ये वाला पिन, इन तीनों वायर को जो है दोस्तों हमें शॉर्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा भी वायर शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम इसका सॉन्ग प्ले करेंगे। ये देखिए दोस्तों काफ़ी लो क्वालिटी में यहाँ पर वॉइस इसका आ रहा है। और अब बेस इफेक्ट देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने अभी तीनों आईसी को जो है आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है दोस्तों ये जो हमारे ये छोटे वाले जो सब ऊपर है दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो काफ़ी अच्छा पंच हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इसमें से थोड़ा सा मिड की जो क्वालिटी है थोड़ा सा आ रही थी, लेकिन उतनी नहीं आ रही थी। इसका जो सब ऊपर जो पंच जो है काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम यहाँ पर तीन आईसी इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर इस प्रकार से सब ऊपर चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।